नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इस दुनिया में कुछ लोग अपनी मेहनत और लगन के कारण कम उम्र में ही ऊंचाई को छू लेते हैं। ऐसी ही एक कम उम्र की हस्ती हैं जेप्टो के को फाउंडर कैवल्या वोहरा। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के को फाउंडर कैवल्या वोहरा देश के सबसे अमीर टीनेजर बन गए। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की IIFL वेल्थ हुरून 2022 की सूची में कैवल्या वोहरा ने इस साल पहली बार अपनी जगह बनाई। वोहरा के अलावा फिजिक्स वाला के को फाउंडर अलक पांडे सहित कई और स्टार्टअप्स फाउंडर भी पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि वोहरा महज 19 साल की उम्र में देश के सबसे अमीर युवा भारतीय बन गए हैं। साथ ही वो देश के पहले टीनेजर हैं जिनके पास 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के मुताबिक कैवल्या वोहरा ने साल 2020 में आदित्य पलीचा के साथ मिलकर जेप्टो कंपनी की स्थापना की थी। पिछले एक साल के अंदर इसके वैल्यूएशन में 50% से ज्यादा का उछाल आया। इसका सीधा फायदा कैवल्या वोहरा को मिला है। वहीं इस लिस्ट में वोहरा के अलावा 20 वर्षीय अदिति पलीचा ने भी जगह बनाई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 10 साल पहले रिच लिस्ट में देश के सबसे युवा अमीर की उम्र 37 साल थी और अब ये 19 साल है। यहां आपको यह भी बता दें कि यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला के को फाउंडर अलक पांडे और प्रतीक माहेश्वरी ने भी इस लिस्ट में पहली बार जगह बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पांडे और माहेश्वरी दोनों के पास 4000 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत संपत्ति है और सबसे अमीर 1103 व्यक्तियों की सूची में ये 399वें स्थान पर आते हैं। फिजिक्स वाला एक एडिटेक कंपनी है जिसकी स्थापना अलक और माहेश्वरी ने कोरोना महामारी के दौरान की थी। कंपनी ने जून में पहली बार $100 मिलियन का फंडिंग राउंड पूरा किया और इस दौरान इसकी वैल्यूएशन $1.1 अरब आंकी गई थी। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट ने बताया कि 1000 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा की व्यक्तिगत संपत्ति रखने वाले भारतीयों की संख्या 2022 में पहली बार 1100 से ज़्यादा रही। 2021 के मुकाबले इस साल ये संख्या 96 नंबर ज़्यादा है। पिछले 5 सालों के दौरान ये संख्या 62% तक बढ़ी है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैवल्या वोहरा से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।